गाइस प्रेरणा पीजी का न्यू कॉन्सेप्ट का ट्यूटोरियल लेके आ गए हूँ। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, अभी अभी ये फोटो अपलोड करी है और मैं इसका तुरंत ही ट्यूटोरियल लेके आ गया हूँ। स्टॉक वगैरह सब कुछ बना लिया, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट गाइस वीडियो देखने के बाद आप लोग सब कुछ डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाली एडिटिंग थोड़ा हार्ड है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को सेम टू सेम एडिट करना सिखा दूंगा। सो गाइस चलते वीडियो की तरफ, ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यह सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साइड का बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे प्रेरणा भाई की कौन सा मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके सो गाइस आप लोग को सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है। और गाइस जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया, बैकग्राउंड पीएनजी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। गाइस आप लोग को सबसे पहले बैकग्राउंड को रिसाइज कर लेना है, ठीक है। बैकग्राउंड रिसाइज करने के बाद नॉर्मल आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से जाना है एड फोटो को, नॉर्मल ये वाली फोटो ले आना है, ठीक है। तो इस वाली फ़ोटो को आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले ऐसे बड़ा करके यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर देना, ठीक है। एंड गाइस फिर आप लोग को क्या करना है, यहाँ से जाना फिर ऐड फोटो पे, देन गाइस आप लोग एक पीएनजी और लेके आना है। फोटो को भी आप लोग को पीएनजी को इस टाइप से ऐसे एडजस्ट कर देना, ठीक है, बड़ा करके इस टाइप से आप लोग एडजस्ट कर दीजिएगा। एंड गाइस आप लोग को अब क्या करना है, नॉर्मल सीधे आप लोग को अपनी फ़ोटो को ले आना। सो गाइस आप लोग को पोज कैसे देना है, आप लोग को अपना फेस ही लगेगा, ज़रा सा फेस लगेगा आप लोग का, ठीक है। तो आप लोग को प्रेरणा भाई की फ़ोटो देख लेना है और वैसे ही पोज देना, मतलब ऐसे साइड पोज जैसे देते हैं ना, तो तड़कता भड़कता आप लोग को पोज दे देना है ऐसा। एंड गाइस आप लोग के यहाँ से जाना इरेज टूल पे, हार्डनेस टूल एंड साइज को आप लोग अपने अकॉर्डिंग करना है और आप लोग को ऐसे मतलब इरेज कर लेना, ठीक है, इस टाइप से। लोग जैसे कि देख सकते हैं मैंने कर लिया। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ इरेज टूल पे और मैं थोड़ा सा ऐसे इरेज कर लेता हूँ अपना पार्ट को थोड़ा सा, ये क्योंकि मुझे ये ब्लैक सा चाहिए, तो मैं इसे कर लेता हूँ थोड़ा सा और इस साइड भी कर लेता हूँ ब्लैक सा और बालों को रहने देता हूँ। एंड गाइस यहाँ से मैं कर लेता हूँ डन, ठीक है। एंड डन करने के बाद गाइस आप लोग को नॉर्मल क्या करना है, एक तो पीएनजी दूंगा मैं आप लोग को, ठीक है, जो कि हम लोग आइस में लगाएंगे, जैसे कि प्रेरणा भाई ने लगा रखा था अपनी आइस में। तो ये वाला पीएनजी आप लोग को नॉर्मल क्या करना है, अपनी आइस है ना जो आपकी, उस पर आप लोग को इस टाइप से मतलब एडजस्ट कर देना, ठीक है। तो जो मैंने मॉडल यूज़ करा है उसकी आइस थोड़ा सा छोटी सी है, बट आप लोग को मतलब ऐसे आइस को खुले हुए पोज देना है, तो ये सब एडजस्ट हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग एडजस्ट कर देना है, तो मैं अच्छे से कर लेता हूँ ज़रा, तो आप लोग आराम से करिएगा, सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को नॉर्मल यहाँ से डन कर देना है, ठीक है। डन करने के बाद गाइस आप लोग को क्या करना है, अभी मैं आप लोग को एक पीएनजी दूंगा, ठीक है। तो ये पीएनजी बनाने में को बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लग गया है, तो नॉर्मल आप लोग को इस पीएनजी को क्या करना है, ऐसा बड़ा करके यहाँ पे ऐसा एडजस्ट कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर माथे के पास में लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को लगा लेना और इसकी हार्डनेस वगैरह आप लोग को कम कर लेना इस टाइप से, और फिर आप लोग ऐसे पैंट सा कर देना थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग इरेज कर लीजिएगा और आइस के पास जो आ रहा तो आप लोग बिल्कुल इरेज कर लीजिएगा, ठीक है। डन करने के बाद गाइस आप लोग क्या करना, किसी पीएनजी को फिर ले आना है, ठीक है। एंड गाइस आप लोग को अब क्या करना है अभी बता देता हूँ, तो आप लोग को यहाँ नोज़ के पास लगा देना इसे, ठीक है। एंड गाइस आप लोग को यहाँ से डन कर लेना, ठीक है। डन करने के बाद गाइस आप लोग क्या करना, आप लोग को अगर चाहते हैं कि प्रेरणा भाई की अकल अगर आप लोग को हेयर यूज़ करना है तो कर लीजिएगा। तो इस हेयर को आप लोग को क्या करना है, सब बड़ा करके यहाँ पे ऐसे लगा देना प्रेरणा भाई की हेयर को, ठीक है। अगर आप लोग ये मतलब यूज़ करना चाहते तो कर लीजिएगा, वरना कोई बात नहीं है। डन करने के बाद गाइस आप लोग क्या करना है, ये आप लोग को बता देता हूँ। गाइस आप लोग को नॉर्मल क्या करना है, यहाँ से जाना है एंड ड्रॉ टूल्स पे, ठीक है। एंड ड्रॉ टूल्स पे जाने के बाद आप लोग को सिर्फ सिंपली फोटो को सेव कर लेना है एंड अब आप लोग को रीटचिंग कर लेना है। तो हम चलते हैं स्नैपसीड एप्लीकेशन में। ओके सो अपन आ चुके स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो गाइस आप लोग को सबसे पहले यहाँ से जाना है इस वाले ऑप्शन पर, ठीक है, और इसकी डिटेल्स वगैरह आप लोग को सब कुछ हाई कर देना है, ठीक है। तो आप लोग देखते जाइए, मैं जैसा कर रहा हूँ आप लोग को ऐसे हाई कर लेना है इस टाइप से, एंड यहाँ से कर लेना आप लोग को डन। डन करने के बाद आप लोग इस वाले आइकन पे जाना, देन इस वाले आइकन पे, और फिर आप लोग इस वाले आइकन पे जाके आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे ऐसे ही वगैरह यहाँ पे पेंट कर लेना थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। इस टाइप से आप लोग को पेंट कर देना गाइस, आप लोग को यहाँ से डन कर लेना, ठीक है। एंड डन करने के बाद गाइस आप लोग क्या करना है,
थोड़ा सा रीटचिंग कर लेना टून इमेज में जाके, ठीक है। तो टून इमेज की जो भी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ आप लोग देखते जाइए। एंड गाइस, आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं करा तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नाइट हो गई, रात हो गई और अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ यार लाइक तो बनता है, इस वीडियो में एक लाइक कर देना, ठीक है। यहाँ से डन कर लेना आप लोग को। एंड गाइस, आप लोग को यहाँ से डिटेल्स को भी दे देना है, तो चलिए हम डिटेल्स को दे देते हैं। एंड गाइस, फ़ोटो को करते हैं सेव। ओके सो गाइस, आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, मैंने आप लोग को सेम टू सेम प्रणव भाई जैसा एडिट करना सिखा दिया है। तो गाइस, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए, जब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।